नमस्कार जनती, में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के सबसे युवा सदस्य राजकुमार रोत, जो बीटीपी पार्टी के प्रतिनिधि हैं और पहली मरतबा विधायक बन करके आए हैं। राजकुमार जी, आपका जनती में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद, अभिनंदन। राजकुमार जी, आप MLA बने, पहली बार बने। हाँ बिल्कुल। MLA बनने से पहले कुछ सोचा था आपने कि मुझे क्या बनना है? एक्चुअली मेरी राजनीतिक शुरुआत जब मैं 2014 में कॉलेज प्रेसिडेंट रहा था, उस समय से, हाँ, डूंगरपुर कॉलेज प्रेसिडेंट रहा था, उस समय से मेरी कॉलेज मतलब कॉलेज राजनीतिक से मेरी शुरू हुई। और जैसे तैसे मतलब इस चीज को मैंने 2 साल कॉलेज चुनाव कराए। मैं एक्चुअली बता दूं, मैं NUCI से कॉलेज प्रेसिडेंट था, NUCI से कॉलेज प्रेसिडेंट था। फिर हमने वहाँ पर एक युवा शक्ति के रूप में नया संगठन उभरा। हमारे एक युवा लोगों ने मिलकर एक नया संगठन बनाया, उसका नाम था BPVM, पूरा नाम था बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। 2016 में मैंने वहाँ नेतृत्व किया और मैं बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश संयोजक रहा। और हमने 4 कॉलेजों में कॉलेज चुनाव कराए और पहली बार में ही हमने सफलता हासिल की। तो 3 साल हमने रेगुलर कॉलेज चुनाव कराए, राजनीतिक में आने का सोचा ही नहीं था। मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखी है, तो मेरा मकसद ये भी नहीं था। मेरा एक था, या तो RS बनना है या फिर पुलिस विभाग में जाना है, ये मेरा मकसद था। पर ऐसी कोई घटनाएं हुई, वहाँ पॉलिटिकल लीडर हमको, हमने अलग स्वतंत्र पार्टी बनाई, मतलब स्टूडेंट यूनियन बनाई, तो उसका भी उन लोगों ने विरोध किया। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं हम नई पार्टी से उनसे मात देते हैं, उनको मात देते हैं। तो हमने BTP पार्टी जो गुजरात में चल रही थी, वहाँ 2 विधायक हैं, छोटू भाई वसावा, महेश भाई वसावा, तो उस पार्टी को राजस्थान में लॉन्च किया। और वहाँ की मेरी जो विधानसभा है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ पर उन्होंने चाहा कि जो राजकुमार रोत बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा का संयोजक है, उसको विधायक का चुनाव लड़ाया जाए। तो वहाँ से शुरुआत। तो कांग्रेस से ताल्लुक रखा आपने शुरू में, तो NSCI के अध्यक्ष रहे, NSCI के बैनर से कॉलेज का चुनाव जीता था आपने। हाँ एक्चुअली वहाँ मतलब ये ऐसा था नहीं मुझे राजनीति करना, पर जब कॉलेज के जो युवा थे उस समय उन्होंने चाहा कि इस बंदे को कॉलेज चुनाव लड़ाया जाए, तो उस समय मुझे NUCI से चुनाव लड़ा गया। उस समय ना तो कांग्रेस से ना BJP से किसी से कोई रिलेशन नहीं था, पर एक बैनर से चुनाव लड़े। पर हम स्वतंत्र होके काम करना चाह रहे थे, पर स्वतंत्र होके कई न कई पार्टियों ने काम नहीं करने दिया, हमारा जो NUCI संगठन था उसने काम नहीं करने दिया। तो हमने उस एरिया की जो समस्या थी, उस एरिया के जो मुद्दे थे, उस बैनर तले हम नहीं उठा पा रहे थे। जिस बैनर के तले में प्रेसिडेंट बना था, उस बैनर तले हम हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे थे उस मुद्दों को नहीं उठा पा रहे थे, इसलिए हमने स्वतंत्र नया संगठन बनाया। तो पहली बात, BTP की 3 सीटें जीत करके हैं आप लोग। हाँ, 2 सीटें जीते हैं BTP से, सागवाड़ा विधानसभा और 84 विधानसभा। मेरे एज हुई थी उस समय 26 साल 3 महीने, कुछ 4 महीने हो रहे थे। और मेरे से भी जो मैंने 2016 में अलग संगठन बनाया था, हमने बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, उससे पहली बार कॉलेज चुनाव लड़ाया था उमेश डामोर करके, और वो आसपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा। वो मेरे से कम उम्र का है, उसके मुश्किल से 25 साल हुए थे जब चुनाव लड़ा, तो 3000 वोटर से हो रही क्या, सेकंड पोजीशन रही, अच्छा संघर्ष किया। आज 3 विधायक होते हैं हम यहाँ। लोकसभा में भी भाग्य आजमाया आप लोगों ने। हाँ, लोकसभा में भी हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पड़ती है, वहाँ 8 विधानसभा है। हमारे कांति भाई रोत आदिवासी के नाम से जानते हैं उनको, मतलब लोकसभा चुनाव लड़ाया गया और 251,000 वोट मिले हमें जी। अभी क्या प्लान है BTP का? BTP का यही प्लान है, देखो एक्चुअली वहाँ हमारा एक सोशल मूवमेंट चल रहा था, सोशल मूवमेंट ये चल रहा था आदिवासी परिवार के नाम से, कर्मचारी संघ प्लस समाज से भी लोग ये काम कर रहे थे। और हमें, हमारे दोनों यूनिट अलग थी, हम बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा में काम कर रहे थे, उधर आदिवासी परिवार काम कर रहा था। तो हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्र में जो शोषण हो रहा है, हमारे क्षेत्र में जो अनलीगल तरीके से जो खदान हो रहा है, खनन हो रहा है, क्योंकि अरावली एरिया पड़ता है और डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर में इतना अनलीगल तरीके से खनन हो रहा है, वहां पर अनलीगल तरीके से शराब की बिक्री हो रही है, क्योंकि गुजरात बॉर्डर पड़ता है वहां, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सबका वहां हब बना हुआ है। तो वहां हमारे लोगों को उस चीज, वहां चीजें बिक रही थी, शराब बिकता था, उपलब्ध हो रहा था, उससे हमारे लोगों को जो नुकसान पहुंच रहा था उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे थे जी। तो कभी कार्रवाई नहीं हुई प्रशासन की ओर से? ये तो अब मुझे लगता है कि लंबी एक वो चलती आ रही होगी बीमारी वहां से। हाँ, लंबी बीमारी है एक्चुअली।
मतलब हमें लगता है कार्रवाई होती है, न्यूज़पेपर में भी चलता है, सरकार भी करती है कार्रवाई, पर जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। 100 में से 10% कार्रवाई होती है, 90% चलता है मामला ऐसे ही। तो अभी बदस्तूर जारी है, हाँ बदस्तूर जारी है। शिकायतें की कभी आपने? नहीं बिल्कुल, बहुत बार शिकायतें की, बहुत बार बहुत बड़े जन आंदोलन किया, बहुत बार बड़ी बड़ी रैलियां की, पर कोई समाधान नहीं हुआ। एक्चुअली शायद आपने भी सुन रखा होगा, पूरा राजस्थान जानता है, सरकार भी कहती है, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी बहुत बार कमेंट किए हैं, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने भी कमेंट किए हैं कि दक्षिण राजस्थान में नक्सलवाद की गतिविधियां फैल रही है, ये आक्षेप लगाए जाते थे हम पे। इसलिए हम लोकतंत्र में आए, मतलब हम चुनाव लड़ने का सोचा, बाकी इससे पहले हम सामाजिक मूवमेंट के माध्यम से ही उस एरिया में जन जागरण, उस एरिया में जो अनलीगल काम हो रहे थे उसका विरोध कर रहे थे, पर अनलीगल जो खनन हो रहा था, शराब वाला हो रहा था, उसका विरोध करते थे, तो वहां ऐसे आक्षेप लगाए जा रहे थे। तो हमारे लोगों ने सोचा, हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इस जो प्रणाली है, उस विधानसभा लोकतंत्र का जो माध्यम है, उसमें ही जाके हम आवाज उठाए। इसलिए आज दो लेकिन विधेयक कई जो बार ये लिए। चर्चा आती है कि नक्सलवाद का असर दिखाई दे सकता है आने वाले दिनों में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जो खासकर आदिवासी बेल्ट है, ऐसा क्यों लगता है? एक्चुअली सर वहां स्थिति ऐसी है, क्योंकि आज मैं एक उदाहरण बताऊं, आज वन विभाग का जो अभी कानून पारित आदिवासियों को जमीनों से बेदखल करने का, वो जो आंकड़ा है वो परफेक्ट आंकड़ा नहीं है। मैं एक उदाहरण बता दूं, हमारे एक मालमाता बिछीवाड़ा में ग्राम पंचायत है, वहां 1985 में राजस्व विभाग ने 1876 बीघा जमीन वन विभाग को हस्तांतरित कर दी है। उसमें लिखा गया है कि यहाँ पर कोई लोग नहीं रहते हैं, राजस्व की भूमि है। और 1951 में जो प्रथम मतगणना हो रही है, उस समय 285 लोगों ने उस गांव से वोटिंग की है। मतलब 1951 में वहां पर लोग रह रहे हैं, वहां मतदान कर रहे हैं, और 1985 में गवर्नमेंट ये मतलब इस तरह का 44 साल बाद ये कह रही है कि यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि वहां शिक्षा की बहुत कमी है, लोगों को कुछ कानूनी कार्रवाई में नहीं पता है, लोग जमीन अपनी खातेदारी नहीं करा पाए उरी सीरिया में। अब 91 की बात कर रहे हैं जो जनगणना हुई, तो फिफ्टी वन 1900, इक्यावन सॉरी अच्छा 1951 की जो प्रथम जनगणना हुई, हाँ, सॉरी सॉरी 1951 में जो प्रथम मतदान हुआ है, हाँ, उस मतदान में, हाँ, बावन में, हाँ उस मतदान में 285 लोगों ने मतदान किया है उस गांव से। और 1985 में मतलब 41 साल बाद सरकार ये बता रही है कि वहां पर कोई रहता नहीं है, और वहां उस एरिया के लोगों ने कम से कम 50 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धरना प्रदर्शन किया गया है, पर आज तक अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, ये स्थितियां है। क्योंकि प्राचीन काल से रहने लोग वहां उस एरिया में, वहां पेमाइश हुई नहीं है, जमीन अलॉटमेंट के लिए जमीन मतलब पेलेंटी भरते हैं लोग, वर्षों से भरते आ रहे, पर आज तक उनके खाते जमीने हुई नहीं है। तो चलिए कुछ ऐसी चीजें हैं कि हालांकि टॉपिक बीच में रह जाएगा, मैं वापस इस पे आऊंगा। तो ये रेड कारपेट कॉरिडोर, सॉरी माफ करिएगा, रेड कॉरिडोर के आरोप क्यों लगते हैं वहां पे, सिर्फ इसी वजह से? हाँ इसी वजह से, क्योंकि जमीन अभी जैसे कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर निकल रहा है, तो उदयपुर से लगा के रतनपुर तक का दो जो रोड निकल रहा है, जो कॉरिडोर निकल रहा है, वहां आदिवासियों की जमीन जा रही दोनों तरफ। अब मुआवजा गवर्नमेंट ऐसी परिवारों को दे रहा है जिनके खाते हैं, पर एक्चुअली वहां जो लोग रह रहे हैं किसी का खाता नहीं, आज वर्षों से रह रहे हैं पर किसी का खाता नहीं है। कहीं कहीं वहां की मतलब शिक्षा का स्तर नहीं था, जागरूक नहीं थे लोग, और प्रशासन की भी गलती रही, इसलिए वो लोग जमीन खाते नहीं करा पाए, पर वर्षों से पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं उन जमीनों के। आज हर बात छोटे छोटे न्यूज पेपरों में छपता है, रोज 20-25 घर गिराए जाते हैं, परिवार बेदखल किया जाता है, ये स्थिति है। तो स्वाभाविक है अपने जीवन के लिए अपनी मांग उठाएगा, मांग कोई सही तरीके से नहीं मांगेगा तो धरना प्रदर्शन करेगा, रैलियां करेगा, गाड़ियां रोकेगा। तो ऐसी हरकतें करने से, जैसे कि एक हमारा, फिर बता दूं मैं एक टॉपिक ले लूं बीच में, खनन का जो मामला है, मेरी विधानसभा में ही एक जो गांव है वहां खनन हो रहा है, 7 पट्टे इशू किया गवर्नमेंट ने 1 हेक्टर हेक्टर के, और वो लोग 1 हेक्टर की एनओसी मिली हुई है और वो 2 हेक्टर में काम कर रहे हैं। डंपिंग जो डाल रहे हैं वहां सिलिकोस की चीज की बीमारी होती है, जो खनन से जो पदार्थ निकलता है सिलिकोसिस बीमारी होती है, पर आज तक सरकार ने न तो सर्वे कराई न जांच कराई है कि कितने लोगों को सिलिकोसिस बीमारी है, पर ये वहां फिक्स है, कोई लोग 55 साल की उम्र पार नहीं करता है, डेथ हो जाती है उनकी, जी। वो सब सिलिकोसिस से पीड़ित लोग हैं। राजकुमार जी, कई चीजें आपने बताई हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये, और मैं कहूंगा कि जनता की आवाज बनने के लिए आपने भेजा, दो आप एमएलए जीत करके आए हैं। पिछला सेशन जो चला गया वो तो खैर बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट था, हाँ, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है,
तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको लेकर के वास्तव में जनता की आवाज बनी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरा मतलब मानसिकता बना के आए हैं अभी कि जो बड़ा सेशन चल रहा है उसमें हमारे क्षेत्र की जो मांग है, हमारे क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, उसको हम भरपूर जोर तरीके से रखेंगे, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, विधानसभा की जो कार्य प्रणाली है, जो नियमावली है, हम पहली बार आए हैं, हमें इतना नॉलेज नहीं है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कार्य प्रणाली उस नियमावली को बहुत जल्द तरीके से सीख लें और अच्छा प्रमोशन करेंगे। हमारे साथ राजकुमार जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ है राजस्थान विधानसभा के सबसे युवा सदस्य राजकुमार रोत। राजकुमार जी, कुछ ऐसी चीजें हैं वहां जो असमानता की बात की जाती है, अक्सर पूछा जाता है कि भाई नक्सलवाद में क्यों कूदे कि सब असमानता रही, ऐसी क्या असमानता है अगर कहीं पे कोई ऐसे हालात भी दिखते हैं तो? कभी पहली बात तो यही जानना चाहूंगा कि इसकी कहीं कोई आहट आपको दिखाई देती है कि नक्सलवाद वहां हो सकता है? नहीं, ऐसी एक चीज देखो, नक्सलवाद हमारे एरिया में जो ये आरोप लगा रहे हैं, हमारे एरिया के जो लोग हैं, हम जो हैं, उस चीज को समझ नहीं पाए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने वर्ड ही नहीं आए, जिन लोगों पे आक्षेप लगाया जा रहा है कि आप नक्सलवादी गतिविधियां हो, उन लोगों को ये नक्सलवाद शब्द ही नया लग रहा है, उन लोगों ने कभी सुना ही नहीं है, वो ऐसी चीजें हो ही नहीं रही है। एक्चुअली वहां क्या है, जल जंगल जमीन की लड़ाई चलती है, विशेषकर जो खदान खनन का जो मामला है, सब लोग वहां विरोध करते हैं पर कोई नहीं सुनता है, कभी कोई रोड जाम कर देते हैं तो वो कहते हैं आप नक्सलवादी हो, ऐसी परिस्थितियां। कभी किसी पे आरोप भी लगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं, गिरफ्तार किया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं हुआ है। एक्चुअली मीडिया में बहुत बार आया है, प्लस क्योंकि मीडिया में इसलिए आया है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बहुत बार आक्षेप लगाए हैं, क्योंकि हम क्योंकि मैं 2014 से कॉलेज लीडरशिप कर रहा हूं, हम कोई माइंस हो क्योंकि माँ अगर माइंस में कोई मजदूरी कर रहा है उसकी डेथ हो जाती है तो उसको मामले को दबा दिया जाता है 20-25 हजार रुपए देके, इंसान की कीमत 20-25 हजार रुपए लगाई जाती है, फिर हम लोग जाते हैं वहां, हम लोग जाते हैं वहां तो माइंसों पे दबाव बनाते हैं, तो पता चलता है एसपी सभी वहां प्रशासन जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं यार ये त्रेंदो उस मंत्री जी की पार्टनरशिप है यहाँ, ऐसी बात वहां सामने आती है। और फिक्स शेड्यूल एरिया में जो जितनी माइंसे हैं, सरकार के जो वरिष्ठ लोग हैं, पॉलिटिकल जो लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं है, तो वहां ये चीज वही, और वही लोग हमारा विरोध करते हैं कि नक्सलवादी गतिविधियां हो रही है, मतलब ये है उल्टा चोर पोटपाल को। एक मैं बात जानना चाहूंगा आपसे, कुछ ऐसी कुरीतियां आपके यहाँ पे हैं जो आज भी प्रचलन है, मोताना एक बड़ी समस्या है खासकर आदिवासी बेल्ट के लिए, इसका कोई सोल्यूशन है आपको लगता है? पहली बात तो ये कि हाँ बिल्कुल गलत है। नहीं, इस बारे में भी बताना चाह रहा हूँ कि वहां हमारे समुदाय में पहले विशेषकर वहां मतलब रूढ़िगत ग्राम सभा बनी रहती थी, और मैंने कहीं पढ़ भी रखा है कि रूढ़िगत ग्राम सभा मतलब जो लोकतंत्र है, जो संविधान बना है, उसमें रूढ़िगत ग्राम सभा को भी कहीं ना कहीं जगह दी गई है, और रूढ़िगत ग्राम सभा में एक गमिति बना जाता था एक गांव में, तो कोई भी घटना होती थी तो उस गांव स्तर तक सीमित दिया जाता था, तो उसी चीज को उसमें जो प्राचीन काल में दिया था मथमणा, जो मथाणा प्रताप की जो बात बताते हैं उसका मूल रूप जो है मथमणा, मतलब कहते थे कि सिर के बदले सिर, ये सी हमने हमारे जो पूर्वज है उनसे सुन रखा है, बाकी मथमणा चीज अलग है और मथाणा अलग है और मथमणा दोनों चीज अलग है। और इस चीज का अब चलो ठीक है, आधुनिक युग है, अब हमारा देश आजाद हो चुका है, हमारे विकास प्रगतिशील है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो हमारे जो राष्ट्र सरकार मतलब केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है, आज किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बदले में मुख्यमंत्री सहायता राशि मिलती है, पर आज तक हमारे एरिया में वो चीज नहीं मिल पा रही है कहीं की, क्योंकि उनको वहां योजनाओं की जानकारी का अभाव है, लोगों के पास जानकारी नहीं है, सरकार ने कोई विशेष ऐसी पहल नहीं चलाई है जी, कि नहीं। लेकिन अगर मान लो जैसे कहा जाता है कि कोई कार में से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, मोताने में वो गाड़ी के ड्राइवर को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, कार के मालिक को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, पास में बैठी सवारी को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। पहले तो इसे बहुत ही इस तरह से देखते थे कि चलिए वो आदिवासी हैं और इनको समझा के भिजवा दिया जाए, लेकिन जिस तरह से एक उत्पात मचाया जाता है और उसके बाद में उस बॉडी को लेकर के
जिस तरह का मखौल उड़ा, चर्चा ये भी रहती है कि एक पंचायत होती है, उस पंचायत के लोग हैं मोताने के पैसे में से आपस में पैसे भी बांटते हैं। नहीं एक्चुअली ये मतलब 100 में से कई बहुत कम जगह होता है, 10% ऐसी घटनाएं होती है, हम मानते हैं ऐसी चीजें। एक्चुअली वहां क्या है, अब जैसे कि एक बार किसी, लेकिन कानून बना हुआ है, अगर किसी की मौत होती है, अगर मर्डर हो गया तो उसके लिए कानून बना हुआ है, अगर कोई एक्सीडेंट में गिर गया उसके लिए कानून बना हुआ है। तो ये आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप एमएलए हैं, आप अच्छे से संवैधानिक चीजों को समझते हैं, आप एक टीचर बनने की भी आपने कोशिश की है, तो ये चीजें आपको लगता है कि वास्तव में आप समाज को इन चीजों से बाहर लाना चाहिए? क्योंकि वजह मैं ये बता रहा हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं, आदिवासी बहुत भोले होते हैं, पुलिस अब मुकदमे दर्ज करने लग गई मोताने के मामले में, तो क्यों किसी का भविष्य खराब किया जाए? हाँ बिल्कुल, देखो एक्चुअली ये घटना इसलिए हो रही है कि एक बार किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो उस आदमी को जो गवर्नमेंट की जो योजना है उसका फायदा नहीं मिलता है। एक्चुअली क्यों? क्योंकि किसी के पास लाइसेंस नहीं रहता है, कोई बीमा नहीं रहता है, क्योंकि योजना जो है उसको जो योजना के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो क्वालिफिकेशन में बंदा आ ही नहीं पाता है। इसलिए दूसरी बार लोगों को ये लगता है कि पिछली बार ऐसा करके हमको हटा दिया, कुछ मिला नहीं सरकार की तरफ से, इसलिए दूसरी बार ऐसा हंगामा करते। पर एक्चुअली अब सब जागरूक हो चुके हैं, वहां शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है और ऐसी घटनाएं बहुत कम सुनने में आती है, बहुत कम, और आने वाले समय में इसमें बहुत सुधार आएगा। जी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप लोगों को लगता है कि वास्तव में क्षेत्र के सुधार के लिए ये बहुत जरूरी है? हाँ बिल्कुल। क्या क्या लगता है आपको? देखो हम सरकार से विशेषकर यही अपील करते हैं, हमारे जो मंत्री जी हैं, सीएम साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, तो हमारे क्षेत्र में शिक्षा के लिए बेहतर काम करो और स्वास्थ्य के लिए बेहतर काम करो, बस शिक्षा और स्वास्थ्य और पानी के लिए, क्योंकि हमारा जो आदिवासी समुदाय है वहां मतलब 12 महीनों में से कम 7-8 महीना गुजरात में बिताता है, पूरा परिवार सहित बच्चों सहित गुजरात में बिताता है, और पूरा आदिवासी समुदाय गुजरात पे डिपेंड करता है, काम के लिए पलायन करते हैं। सरकार ऐसी कोई योजना बनाए जो पलायन हो रहा है उसको रोका जाए और स्थानीय रोजगार मिला जाए। विशेष एक शोषण की बहुत बात आती है, आपने कहा कि पढ़ाई लिखाई अब लोग बढ़ रहे हैं उस ओर भी, लेकिन मुझे अच्छे से ध्यान है, मैं कोई स्टोरी की थी आदिवासी बेल्ट में, खासकर जब कपास की खेती होती है गुजरात में, तो उसमें चीरा लगाने के लिए छोटे छोटे से आदिवासी बच्चों को इनको ले जाया जाता है, उसके पेरेंट्स भी भेज देते हैं, जब पता लगा तो कि इनके खाने की मजबूरी है इनके पास में, ये अगर बाल मजदूरी नहीं करें तो फिर इनका पेट कौन पालेगा। तो ऐसे कुछ चीजें हैं, अभी आजादी के इतने साल बाद भी इतनी योजनाओं का जिक्र करने के बावजूद दावा किया जाता है सरकारों की ओर से, तो क्या अभी वास्तव में उस क्षेत्र का विकास वैसा नहीं हुआ जैसे हमें एक तस्वीर दिखाई देती है सरकारी आंकड़ों में? नहीं बिल्कुल नहीं हुआ है। अभी 4 दिन पहले न्यूज में खबर लगी है कि घाटोल विधानसभा में मतलब बांसवाड़ा में से कई बच्चे मतलब 25, हालांकि जो किसी जो खबर लगाई न्यूज पेपर लोग धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि 25 बच्चे उनके अभिभावक ने गिरवी रखे थे 2000 में। जब अभिभावकों से मीडिया ने जब जानकारी ली, उनसे चर्चा की, तो अभिभावक ने कहा कि हमारा पेट पालने के लिए हमें बच्चे रखने पड़ते हैं, हमारे 3 बच्चे हैं तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 2 बच्चों को काम पे भेजना पड़ता है, 2000 में गिरवी रखा जाता है। एमपी में, उधर गुजरात में वहां बच्चे रहते हैं, और अधिकतर मतलब वहां यही चीजें, हम सरकार से यही चाहते हैं कि उस एरिया में जो कागजों में जो विकास दिख रहा है वो वास्तविक विकास नहीं हुआ, वहां कागजों में जो विकास दिख रहा है वास्तविक विकास नहीं हुआ है। कई ऐसे शिक्षा के मामले में देखें तो आज भी कई उसके लिए कई गांव ऐसे, एक बार बारिश हो गई सप्ताह भर तक स्कूल नहीं जाएंगे, जाने की सुविधा नहीं है। शेड्यूल एरिया में जो स्कूल बनी हुई बिल्डिंग, 7 साल पुरानी बिल्डिंग को देखेंगे तो आज बैठ नहीं पाएंगे, वहां पानी टपकता है। एक रिजर्वेशन की बात आती है कि रिजर्वेशन आप लोगों को इतने वर्षों से मिलने के बावजूद भी सरकारी सेवा में कहा जाता है कि आज भी आदिवासी बेल्ट के, चाहे वो भील हो, चाहे असावा हो, दूसरे लोग हो, उनका जो प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए बहुत कम है, तो इसका फायदा क्यों नहीं उठा पाए? एक्चुअली रिजर्वेशन का मामला है, देश आजाद हुआ 1947 में, संविधान लागू 1950 में, और मेरी जो जानकारी में है 2013 की जो अधिसूचना जारी हुई उसमें हमें 45% दिया गया, शेड्यूल एरिया का अलग से किया, तो 2013 में, क्योंकि इससे 2007 से दिया जा रहा है, उसमें बता रहे हैं कि 2007 में अधिसूचना पारित हुई, उससे पहले क्यों नहीं दिया गया? संविधान में प्रावधान था आरक्षण का, तो उससे आजाद 1950 में जब संविधान लागू, उसके बाद से क्यों नहीं दिया गया? अब 2007 से हमें मिला है, वो भी 1/9 तक की भर्तियों में, मतलब 42 पीरियड। अब संविधान में प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची में,
85 अनुसूची 244A(5) में जो प्रावधान है वो आज तक लागू नहीं हुआ धरातल पे। कई बार ये भी चर्चा आती है कि आदिवासी बेल्ट मीणे दो तरह से बटे हुए हैं, कुछ जयपुर के सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे जो लोग हैं वो उनको ज्यादा बेनिफिट मिला, तो कुछ ऐसा रहा कि उसमें से एक बार मैं अच्छे से ध्यान है कि जब यहाँ पे गुजर आरक्षण आंदोलन चला था तो आपके वहां से कुछ MLA जो ये जब कनकमल कटारा मंत्री भी थे, इन लोगों ने तय किया कि हमारा इसका डिवीजन होना चाहिए आरक्षण का STK का, तो इस तरह की कुछ चर्चाएं हैं। नहीं एक्चुअली देखो एक्सल एक में 9 तक की जो भर्तियां हैं शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूची के अंतर्गत, उसमें संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ कि वहाँ 100% आरक्षण का प्रावधान है। चलो उसमें हमें 45 मिल रहा है, 5 SC को मिल रहा है और 50 सामान्य, उसमें सभी वर्ग के लोग जा सकते हैं, ये अधिसूचना कहती है, पर एक्चुअली वास्तविक ये होता नहीं है। सिर्फ ST 45 में सिमट जाता है, SC 5 में और बाकी लोग 50 में कब्जा करके बैठते हैं। रही बात स्टेट सर्विसेज में, जो उसमें 12% जो राजस्थान का मिल रहा है उसमें कई लोगों का कहना है कि वहाँ शेड्यूल एरिया का अलग से होना चाहिए, पर अब 5वीं अनुसूची अब 10 राज्यों में लागू है, तो हमें इस मामले में इतना नॉलेज नहीं, एक बार स्टडी करेंगे वास्तविकता क्या है, संभव हो पाता है कि नहीं पाता है इस चीज का। बाकी कंपटीशन के मामले में 12% जो मामला उसमें हमारे लोग इसलिए नहीं आ पाए विशेष कर, एक तो वहाँ शिक्षा का स्तर बहुत कम था, आज तक ऐसी कोई सुविधा, आज भी ये स्थितियां हैं कि बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं। अभी जो आंकड़ा आया है अनुमानित, मुझे फिक्स आइडिया नहीं है, पर एक डिस्ट्रिक्ट से 2-3 हजार बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, ये चिंता का विषय है देश के लिए भी राजस्थान के लिए भी। एक मुझे ध्यान है, शायद आपने विधानसभा में जब पहला सत्र था उसमें अपनी कोई बात रखी थी, तो आपने कहा था कि जय भील प्रदेश या कुछ कहा था, तो ऐसा क्यों? डूंगरपुर बांसवाड़ा जो उदयपुर संभाग है जो 5वीं अनुसूची में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मतलब भील जनजाति आदिवासी समुदाय का भील जनजाति है, और भील समुदाय जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात में महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में 4 राज्यों में बटा हुआ है। वो भील समुदाय पूरा 4 राज्यों में बटा हुआ है और 4 राज्यों में बटा हुआ और चारों राज्यों में सेम स्थिति है। यहाँ जो हमारे राजस्थान में स्थिति है वही सेम स्थिति है। अगर सरकार हमें साथ में लेके हमारे एरिया में जो सही विकास करती तो ये मुद्दा उठता ही नहीं। हर राज्य में आदिवासियों के बिलों के साथ कहीं न कहीं सौतेला व्यवहार किया, इसलिए हर राज्य से मांग उठती है क्यों नहीं हमें हमारे विकास के लिए हमें अलग स्टेट बना दिया जाए। ये बात चारों जगह से मिलके उठाते हैं, चारों जगह से मिलके, क्योंकि सरकारों ने ऐसी स्थिति पैदा की। आज स्वाभाविक ऐसा सौतेला व्यवहार नहीं किया होता, वहां पर जो संवैधानिक प्रावधान है उसको व्यवस्थित लागू कर दिया होता, जहां विकास होना चाहिए तो पैसा व्यवस्थित धरातल पे अगर हो गया होता विकास, तो ये मांगे नहीं उठती। ये लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि राजकुमार रोत है कौन। चलिए मेरा फैमिली बैकग्राउंड मतलब बहुत पुअर है, मैं शुरुआत से बता दूं, मैंने मतलब मेरे फादर की डेथ होने के बाद मेरा जन्म हुआ है, मतलब मैं मदर की पेट में ही था मेरा जन्म, मतलब फादर की डेथ हो चुकी थी, फादर की डेथ होने के बाद मेरा जन्म हुआ है। और मेरे 2 सिस्टर हैं बड़ी, फर्स्ट है वो अब जो बताते हैं प्रशासनिक सेवा में आपके उधर के लोग नहीं आए, तो मेरी सिस्टर ने जो बड़े सिस्टर आरएस अधिकारी है उन्होंने चिमनी में आरएस फाइट किया था। हाँ महिला बाल विकास अधिकारी है संगीता शंकर रोहत नाम फादर का नाम जुड़ के लगाए, तो चिमनी में उन्होंने तैयारी की थी मेरे घर पे। मेरे मदर शाम को चिमनी लगाते थे, 2 चिमनियां रखते थे, दोनों चिमनी में तेल भर के सोते थे, रात को चिमनी में तेल खत्म हो जाता दीदी उठाते हैं, और सुबह उठ के जब मुंह धोते हैं तो पूरा मुंह काला हो जाता था। इस तरह हमारे उधर इतना संघर्ष करके आज वो आरएस अधिकारी बने हैं। अगर सरकार ने उस समय, आज ये 2011 की बात है, 2010-11 की बात है, तब तक ये स्थिति थी, तो अगर सरकार ने पहले सुविधा करा दी होती तो आज कितने लोग प्रशासनिक सेवा में आ जाते। चलो इस चीज को आप फैमिली बैकग्राउंड चाहते, 2 सिस्टर है मेरी, मैं एक ही भाई हूँ, और हम तीनों लोग सिस्टर क्या करती हैं? सेकंड सिस्टर उन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखा है, बीएड कर रखी है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब बाकी लोगों की हम बात करते हैं, जिस देखो आज मैं लीडर हूँ, तो लीडर मैं मानता हूँ कि जरूरी नहीं है, सब कहते हैं कि लीडर पूरी बातें सही नहीं बताते। अब मैंने जो बातें बताई कि हमारे एरिया से गुजरात में पलायन होता है, वहां मजदूरी के लिए जाते हैं, तो मैं खुद बता दूं, मैं 3 साल वहां गया हूं गुजरात में, 3-4 साल। मेरे जो बड़े सिस्टर हैं आरएस अधिकारी वो भी मजदूरी के लिए गए हैं, सेकंड वाले भी गए हैं, मैं भी गया हूं। मतलब मैं 9 क्लास में था उस समय से हम गुजरात जाते थे, गर्मी की जो छुट्टियां होती थी कोई बच्चा घर पे नहीं मजदूरी करने जाते हैं, आके फिर फीस के जो जुगाड़ है वो बिठाते, उसमें मैं भी एक हूँ। तो कोई नहीं माने कि ये जो लीडर है वहाँ पॉलिटिक्स ऐसी कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, तो उसमें भी मैं भी रहा हूँ कि मैं भी गुजरात गया हूँ और बहुत संघर्ष किया, स्टडी की है, और एक ही था मकसद कि गवर्नमेंट जॉब
लेना है, पर ठेठ से जहां अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ बोलने की आदत थी या फिर अच्छाई थी वो, पर उसके खिलाफ हमेशा बोले। तो कहीं ना कहीं स्कूल में कॉलेज में मुझे चाहा, प्रेसिडेंट बना, और वहां फिर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें बाध्य रखा जा रहा है, जिस संगठन में हम कार्य कर रहे हैं वह अन्याय के खिलाफ बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो हमने नया संगठन बनाया और आज नई पार्टी बना के लोगों ने चाहा, जनता ने चाहा, विधायक बने हैं। और हमें, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे क्षेत्र के लिए और उस क्षेत्र में जो निवास रहने वाले सभी समुदाय के लिए हम अच्छा प्रयास करेंगे। एक आक्षेप लगता है हमें कि आप सिर्फ आदिवासियों की ही बात करते हो, तो हम सीधा यही कहते हैं कि एक भूखा प्यासा नंगा इंसान है और एक उसका डिनर हो चुका है, तो हम भूखा प्यासा नंगा इंसान है उसको पूछेंगे खाना खाना कि नहीं खाना, जो डिनर हो चुका है इसको हम ये थोड़ी पूछेंगे कि अल्कोहल। तो राजकुमार जी देखिए, समय सीमा है, लेकिन रियली आप बहुत सारी जो चीजें बता रहे हैं वो कुछ तस्वीर सरकारी आंकड़ों की तस्वीर से अलग बयां कर रहे हैं। यह है तो वास्तव में आपको जनता की आवाज बन करके यहाँ उठाना चाहिए। बिल्कुल, काम सरकारों का है लेकिन कान खोलने का काम आपका है। आप जरूर करें, जनटीवी आपके साथ रहेगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप निश्चित रूप से आपकी जनता की आवाज है उसके साथ न्याय करेंगे, क्योंकि ये बड़े ही आपकी मेहनत और लोगों के जुड़ाव के साथ में आपको यहाँ भेजा है। तो आप अपने क्षेत्र की समस्या जरूर उठाएं और उनकी आवाज को दफन मत होने दीजिए, उसको बुलंद करके रखिए। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।